हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनांसिया एकेडमी। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी के बारे में देखा था। मैंने कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेसिस्टिव सर्किट के बारे में देखा था विथ एसी के साथ, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएल सर्किट। क्या स्टार्ट करेंगे? आरएल सर्किट, ठीक है। किसके साथ? एसी के साथ, ठीक है। तो सपोज कर लो यह मेरा सर्किट है, एक आर होगा और एक एल होगा, यानी एक रेसिस्टर होगा और एक इंडक्टर होगा, ठीक है। उसमें और एक एसी सोर्स कनेक्टेड है, ठीक। वी इक्वल टू, ठीक है, वी इक्वल टू मान लो वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी आर। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी एल, ठीक है। ठीक, यह सोर्स वोल्टेज है Vt, ठीक, B। तो देखो गाइज, अब यह सर्किट में रेसिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, ठीक है। तो इसमें जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा फेजर का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। फेजर क्या होता है? चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं फेजर के बारे में। फेजर क्या होता है? दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेव्स, ठीक है। क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल साइनसोइडल, ठीक है। साइनसोइडल कहने का मतलब साइन और कॉस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये फेजर होता है, ठीक। दिस इज नथिंग बट एरो। क्या होता है? फेजर इज नथिंग बट एरो। एरो से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग फेजर के बारे में देख लेते हैं कि फेजर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेजर एंड वेक्टर, ठीक। वेक्टर और फेजर क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ आ रहा है, वेक्टर। तो फेजर क्या होता है? देखो, अगर हम कोई, चलो ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब देखो जो फेजर का होता है, मान लो कोई एक क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है, इस इंस्टेंट पे अगर फेजर निकाले, ठीक है, तो इसका जो हाइट होता है, हाइट मतलब जो हाइट होगा वो साइन को देता है। हाइट किसको देता है? साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को। और इसका विड्थ जो होता है, विड्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को, ठीक है। ठीक, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। यानी किसी भी समय का जो फेजर होगा, ठीक है, मान लो ये फेजर है, ठीक, ठीक है, या तो ये जो हाइट देगा ये साइन वाला देगा, यानी अगर यह थीटा है तो ये साइन थीटा होगा, और यह जो विड्थ देगा, ठीक, यह जो विड्थ यहाँ पे आ रहा है, ठीक, तो यह जो विड्थ होगा यह कॉस थीटा वाला होगा, ठीक है। यानी फेजर क्या देता है? साइन, फेजर का जो वर्टिकल होता है, हाइट जो होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी साइनसोइड साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है, और जो विड्थ होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, थीके? ये फेजर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, देखो, ठीक। कि अगर सपोज कर लो, अगर मेरा इक्वेशन आ जाए वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, तो इसको हम लोग दो तीन तरीका से ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे तो वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाय वेक्टर यूज करते हैं, बाय यूजिंग वेक्टर, यूजिंग वेक्टर क्या यूज करते हैं? वेक्टर का। और वेक्टर में हम लोग, चूंकि यह एडिशन है तो वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है ट्रायंगल एडिशन, ट्रायंगल, और एक पैरेललोग्राम मेथड,
पहले लग लाम लॉ, एक ट्रेंगल और एक पहले लग लाम लॉ, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो फेजर जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, एक एरो होता है, ठीक। जैसे कि हम अगर किसी भी चीज का मान लो सपोज कर लो एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना ए, यह थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो यह जो देगा यह वर्टिकल, यह क्या होगा ए कॉस थीटा, और यह जो देगा ए सॉरी सॉरी वर्टिकल देगा साइन थीटा, ए साइन थीटा। हम लोग तोड़ते थे ए कॉस थीटा कंपोनेंट में, इसको एक्स कॉम वाई कंपोनेंट, इसको एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब वेक्टर क्या होता है, ठीक। तो फेजर भी इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में हम लोग पढ़े थे, ठीक। जो फेजर भी होता है ना, फेजर भी कुछ हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो यह फेजर का लेंथ हो गया, ठीक। यह दिस इज द लेंथ ऑफ फेजर, ठीक। दिस इज द लेंथ ऑफ फेजर, क्या बोलते हैं जो ए का मैग्नीट्यूड लिए हैं ए, ठीक। दिस इज द लेंथ ऑफ फेजर, लेंथ ऑफ फेजर। और फेजर में जो लेंथ होता है यानी जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड बोलते हैं वो फेजर में क्या होता है लेंथ होता है, वह जनरली होता है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल, ठीक। साइनोसाइडल का आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब देखो चलो ये हो गया, ठीक। फेजर का लेंथ क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू बताता है, ठीक है। कहीं कहीं मैक्सिमम वैल्यू भी लिया होता है, ठीक। तो उससे घबराने की बात नहीं, आरएमएस भी ले सकते हैं और मैक्सिमम भी लेते हैं, ठीक। इसका हम लोग फेजर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, ठीक। अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए वाई इक्वल टू वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे वी टी इक्वल टू, बहुत सारा इक्वेशन पढ़ रहे थे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई टी का पढ़े थे करेंट का इक्वेशन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन पढ़ लेते। तो हम एक जनरलाइज्ड की बात करें, ठीक है, जनरलाइज्ड, ठीक, एक जनरलाइज्ड, ठीक है। अब देखो तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो जब हम इसका फेजर बनाएंगे फेजर, और यह एंगल क्या होगा, ये सपोज करो पूरा एंगल थीटा, पूरा एंगल थीटा, ठीक। तो एक रिफरेंस से लेंगे, ठीक है, यह फेजर हो गया, ठीक। और यह कितना हो जाएगा ए बाई रूट टू, इसका लेंथ कितना होगा ए बाई रूट टू, और यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल दिस इज थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यह एक फेजर है, ठीक, जिसका लेंथ क्या देता है आरएमएस वैल्यू देता है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते थे, वीएम बाई, इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते थे, वीएम बाई रूट टू, यही वी आरएमएस होता था। आईआरएमएस क्या होता था, आईएम बाई रूट टू, ये सब चीज़ सिखा दिए है ना, ये सब चीज़ हम लोग सीख लिए थे, ठीक है। अब देखो तो ये जो वर्टिकल वाला देगा यह क्या देगा, ए बाई रूट टू साइन थीटा यानी ओमेगा टी प्लस फ्लाई, ठीक है, यह वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर थीटा जो है टाइम के साथ वैरी कर रहा है, एज टी इंक्रीज देन सिंप्लाई क्या, थीटा इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थीटा किधर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज ये बढ़ना शुरू करेगा ना, टाइम को बढ़ाओ तो थीटा बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ फेज इंक्रीजेस, एंगल ऑफ फेज इंक्रीजेस, एंगल ऑफ फेज इंक्रीजेस, इसको यूज कर देते हैं, एंगल ऑफ फेज इंक्रीजेस, ठीक है, क्या होगा, एंगल ऑफ फेज इंक्रीजेस, ठीक। इसलिए हम देखो अब जैसे थीटा बढ़ रहा है तो किधर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब हम लोग फेजर रोटेशन जो लेते हैं, फेजर रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किधर रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं फेजर का प्रयोग, हम लेक्चर बनाए हुए थे जिसमें हम बताए थे कि हमेशा फेजर वेक्टर रोटेशन जो होता है, फेजर रोटेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज
तो कितना से रोटेट कर रहा है, मतलब यह डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो दिस इज जीरो, सपोज कर लो दिस इज जीरो, ठीक, इनिशियल इनिशियल या रिफरेंस, इसको रिफरेंस ले लो, ठीक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक था। तो अगर हम लोग इसका कितना से रोटेट कर रहा है वो निकालने चाहें तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, है ना। तो डी थीटा बाई थीटा क्या, ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक। और दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब जो फेज जो होगा कितना से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। फेजर जो होगा क्या बोल सकते हैं, फेजर रोटेट विथ ओमेगा, फेजर रोटेट्स विथ ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा से, ठीक है। ठीक, इतना तो समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसोडल को एक फेजर के फॉर्म में, हाउ टू रिप्रेजेंट ए साइनोसोडल एज फेजर, ठीक है। चलो देखते हैं कि साइनोसोडल को फेजर में कैसे रोटेट करते हैं। तो दो बातें पता चला, एक तो कि जो फेजर रोटेशन होता है हमेशा कैसे लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेंगे। दूसरा, कितना से रोटेट करता है, तो ओमेगा से रोटेट करता है, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक। तो देखो साइनोसोडल का अगर मान लो कोई इक्वेशन है वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या कोई साइनोसोडल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका अगर हम फेजर बनाएंगे तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू या जिसको पीक वैल्यू, तो आरएमएस कितना हो जाएगा, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ठीक। तो इसका फेजर जो होगा, ठीक, ए बाई रूट टू, और यह लेंगे फाई, ठीक है, यह लेंगे फाई, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यह दिस इज रिफरेंस। तो यह जो एंगल शो करता है फेजर एंगल, यह इनिशियल फेज शो करता है। फाई क्या है, ये इसी को फेजर एंगल बोलते हैं, फेजर एंगल इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज डेट इज एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज रहा होगा, टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो क्या फेज रहा होगा, फेज क्या है, अगर थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाई, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर फाई, इसी को बोलते हैं इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज, ठीक। और कितना से रोटेट कर रहा है ये, ओमेगा से, यानी फेजर रोटेशन क्या हो गया, फेजर रोटेशन, फेजर रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, फेजर रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो दो बातें, ठीक, तो हम लोग बोलते हैं कि जब फेजर रोटेट, फेजर को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर रोटेशन, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। वेक्टर फेजर है वेक्टर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, बट जो वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है ना, वह जो वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है वह उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है ना, और जो फेजर में जो फेज होता है वह क्या बताता है, फेज ऑफ क्वांटिटी, मतलब एंगल बताता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, ठीक। यानी वेक्टर में जो बताता है, देखो एक एग्जांपल ले लो, ठीक, एक एग्जांपल ले लो कि यह एक वायर है, ठीक, ऐसे रखा हुआ वायर, ये क्या है, दिस इज वायर, ठीक, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक, और इसमें करेंट आई फ्लो कर रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो यह जो थीटा है, दिस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन, ठीक, इसको मैकेनिकल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जो विजुअली हम लोग देख सकते हैं, ठीक। और जो करेंट में यह जो फाई है, ठीक, मतलब रिफरेंस से जो यह जो फाई है, ठीक है, आई एम बाई रूट टू, इसको बोलते हैं फेज एंगल, फेज एंगल, क्या बोलते हैं, फेज एंगल, ठीक, क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है वेक्टर के एंगल में और फेज के एंगल में, ठीक है। अब देखो
अब कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन को, हम लोग दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन को, दो साइनोसोइडल के कॉम्बिनेशन को हम लोग फेजर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, हाउ टू कैसे, ठीक। उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेक्टर हो गया, सॉरी एक इक्वेशन हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी ले लो, प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम लोग फेज लिखें, है ना, तो देखो किसी एक को रिफरेंस मान लेंगे, किसी एक को रिफरेंस, चलो इसको रिफरेंस मान लेते हैं। तो अगर यहाँ इनिशियल फेज क्या है, जीरो, फाइव है, यहाँ पर इनिशियल फेज क्या है, फाइव, मतलब कि अगर यह मेरा रिफरेंस है, ठीक, दिस इज द रिफरेंस एक्सिस, बट दिस इज द रिफरेंस एक्सिस, तो यह जो होगा इसी पे लाई करेगा, मतलब यह ए बताएगा, ठीक। ऑल दो हम लोग क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या मैक्सिमम वैल्यू के भी टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे आरएमएस रखो ज़्यादा बेटर है, ठीक, ए बाई रूट टू, ठीक। और यह क्या है, फाइव, फाइव बी बाई रूट टू, और दिस इज फाइव। अब देखो ये दो वेक्टर हो गया, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करना, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए बाई रूट टू है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी बाई रूट टू है, ठीक। अगर रूट टू नहीं लेना है तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे ए और दिस इज बी, ठीक। तो अगर इसका इक्वेशन, ठीक है, ठीक, अगर इसका जो हम लोग रिजल्टेंट निकाले मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा वाई नेट, कुछ इस तरह का होगा, दिस इज सपोज करो दिस इज एंगल अल्फा, रिफरेंस एंगल अल्फा, हमेशा किधर चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, तो कुछ इस तरह का होगा, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले लो कुछ भी, ए नेट ले लो, या चलो सी ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, है ना, कुछ इस तरह का होगा। अब सी कैसे निकालेंगे, सी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ट्रायंगुलर लॉ से सी कैसे निकालेंगे, वेक्टराइजेशन, सी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा कैसे निकल जाएगा, हम लोग अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा टेन अल्फा बराबर, देखो वेक्टर वाला यूज कर लेंगे, बी बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, ये फाई था ना, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी ए प्लस बी कॉस फाई, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरह हम लोग फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग फेजर को कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, फेजर को कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज कर सकते हैं, देखो हम बताते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा ठीक। अगर आई एम सपोज कर लो, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहा, तो इसका जो फेजर होगा, फेजर, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ग्राफिकल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ग्राफिकल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी दो आर्गुमेंट फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। तो देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिफरेंस, और कितना इनिशियल फेज है, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, यानी ये फाइव, और यहाँ पर ले लेंगे आई बाई रूट टू, आर एम एस वैल्यू ले लेंगे, और ये हो जाएगा
फाइ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक। कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में आई, ठीक, बार ले लेंगे और आई एम बाई रूट टू एंगल फाइ, ठीक, आई एम बाई रूट टू एंगल फाइ, ठीक है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। आई होप आपको फेजर समझ में आया होगा कि फेजर हम लोग जब भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन लेते हैं, और फेजर जो होता है, फेजर रोटेशन जो होता है वह एंटी क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। उसमें जो लेंथ लेते हैं वो कौन सा, आरएमएस लेंथ लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो पूछा रहेगा उसके अनुसार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम लोग चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक, जो जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे है हम क्वेश्चन में प्रूफ में बताएंगे, ठीक है, कैसे आता है, ठीक है। चलो अब जो है मेरा आरएल सर्किट है, चलो थोड़ी देर, एक इसमें क्या होगा, एक रेसिस्टेंस होगा और एक इंडक्टर होगा, ठीक। किससे कनेक्टेड होगा, एसी सप्लाई से कनेक्टेड होगा, आर एल प्लस माइनस वी आर प्लस माइनस वी एल। चलो मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, आई टी, ठीक है। सपोज कर लो हम लोग आई टी इक्वल टू लेते हैं, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी ही ले लो, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है, हम लोग को ये वी निकालना है, वी टी, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ क्वेश्चन में वी आर वी एल दिया रहे, ठीक, तो ये जो सोर्स वोल्टेज होगा, पहली बात यह सब फेजर एडिशन, इसमें हम अगर केवीएल लगाते हैं, केवीएल, ठीक, ठीक है, माइनस प्लस, चलो इसमें हम केवीएल लगाते हैं, करंट ऐसे जा रहा है तो ये माइनस प्लस, तो केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल, ठीक, तो क्या होगा, देखो भी सब फेजर माइनस वी आर माइनस वी एल इक्वल टू जीरो, ठीक, सब फेजर, फेजर रिप्रेजेंट कर ली, फेजर क्या बता रहा है, जब किसी के ऊपर बार लग जाए इसका मतलब फेजर बता रहा है, और जब किसी के ऊपर एरो लग जाए इसका मतलब वेक्टर बता रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर, ठीक। फेजर में बार होता है, वेक्टर में एरो होता है, ठीक है, फेजर में क्या होता है, बार होता है, वेक्टर में एरो होता है, ठीक, ये देखना है, मतलब ये हम लोग फेजर लिखेंगे, ठीक है। तो यह जो होगा आरएमएस वैल्यू होगा, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, वी एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से क्या बात पता चला, वी बराबर वी आर फेजर प्लस वी एल, ठीक है। तो जो वी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, वी का मैग्नीट्यूड, ठीक, यहाँ पे वी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है, प्रूव भी करेंगे, ठीक। अभी यहाँ पर सोच लो, सपोज कर लो के वी एल लगाए, अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन वी टी, ठीक है। एक बात तो पता चल गया कि जो वी का मैग्नीट्यूड होगा वह दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल कैसे, ठीक है। अब देखो, अब चलो, अब हम लोग थोड़ा सा इसका साइनस इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक। तो ये एक बात तो पता चल गया कि वी बराबर वी आर प्लस वी एल, यानी अगर वी टी भी लिखा जाए तो वी आर टी प्लस वी एल टी होगा, है ना, ठीक। ये कहाँ से है, के वी एल से, ठीक। चलो ऊपर बार लगाते हैं, फेजर एडिशन होता है ना, यानी वेक्टर एडिशन, हम लोग 12th लेवल में हम लोग इसको वेक्टर एडिशन ही अंडरस्टैंड समझेंगे, ठीक है। अब देखो, तो पहले लिखो वी आर, वी आर, वी आर टी, हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस में करेंट और वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए, मतलब कि अगर जो भी होगा यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, वी वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम आई, आई एम इन टू आर, आई एम इन टू आर, और क्या हो जाएगा, साइन साइन ओमेगा टी, ठीक। थोड़ी देर के लिए इसको इसको हम लिख देते हैं वी एम आर साइन ओमेगा टी, ठीक। क्यों हम ले लिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट आई और वी बोथ आर इन फेज, ठीक।
अब देखो, अब आते हैं VLT, VLT, ठीक है, क्या लिखते हैं VLT, तो ये होता है LdIdt, लेकिन वैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, ठीक, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक, कि इंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल लीड करता है IPL, मतलब कितना से लीड करता है, 90 से, यानी जो भी होगा, सपोज कर लो ये VML, मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री होगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कितना से, करेंट से 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ का फेजर ड्रॉ करें, देखो यहाँ करेंट ऐसे है, ठीक, तो पोटेंशियल कैसे होगा, ऐसे भी, कितना से लीड किया, 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से लीड किया, ठीक है। और VML यानी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा VML, या क्या होगा IM इंटू XL, और XL क्या होगा ओमेगा L, XL क्या होगा ओमेगा L होगा, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर दो और इक्वेशन नंबर तीन, इक्वेशन नंबर दो और इक्वेशन नंबर तीन, ठीक है। तो इक्वेशन दो और तीन को हम लोग, इक्वेशन जो मेरा इक्वेशन है ए, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ए ले लेते हैं, इक्वेशन ए में ऐड करेंगे, तो जो वी टी हो जाएगा, वी टी वो क्या हो जाएगा, वी एम आर, चलो वी एम आर को वी आर ही रहने दो, ठीक है, चलो वी एम आर साइन ओमेगा टी प्लस वी एम एल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो आ गया इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक, कि एडिशन ऑफ टू साइनोसॉइडल, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, फेजर से करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको रिफरेंस ले लो, क्योंकि इसका इनिशियल फेज क्या है, टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो जीरो आ रहा है, इसका टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इनिशियल फेज क्या है, 90, मतलब अगर ये हमारा रिफरेंस है, ठीक है, दिस इज आवर रिफरेंस, ठीक, तो ये हो जाएगा वी एम आर, या इसको चलो वी आर ले लो, ठीक, मैक्सिमम को या वी आर ले लो, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक, वी आर या आर एम एस ले लेते हैं, ठीक, वी एम आर का आर एम एस क्या है, वी आर, ठीक, और यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस कर रहा है, दिस इज वी एल, ठीक है, दिस इज वी एल, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, और वी आर क्या होगा, आई एम इंटू एक्स आई आर, आई एम इंटू आर, और ये क्या होगा, आई एम इंटू एक्सएल, ठीक है, यही होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वी टी, वी टी जो होगा क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, वी एम टी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या फाई, ठीक, कुछ इस तरह का होगा, ठीक, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री पे है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री पे होता है उसका अगर थीटा 90 डिग्री पे हो, तो यह जो भी नेट जो होगा, भी एम भी टी जो होगा, यही होगा, और कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर वेक्टर लॉ लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस टू वी आर वी एल कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो हो गया, यानी वी एम का वैल्यू क्या आ गया, वी एम का वैल्यू, वी एम का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है, ठीक, वी एम का वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज का, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज का, ठीक है, ध्यान रहो, अगर यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे तो ये सारा मैक्सिमम होगा, आर एम एस लेंगे तो ये सारा आर एम एस लेंगे, ठीक है, ऑल दो फेजर में हम क्या लेते हैं, आर एम एस लेते हैं, ठीक, तो चलो इसको वी आर एम आर एम एस कर देते हैं, वी एम आर एम एस कर देते हैं, ठीक, आर एम एस ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक, अल्फा, और यह जो फेज फेज एंगल है, ठीक, फेज एंगल फाई, ठीक, कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा, यह जो फाई होगा वो कितना होगा, देखो, ठीक, कितना होगा, चलो तो देख लो, इसमें अगर टेन थीटा लगाओ, टेन टेन फाई, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, वी एल बाई वी आर, और इसको और क्या लिख सकते हैं, आई एम एक्स एल बाई आई एम आर,
यानी कि आ गया एक्स एल बाई आर। तो फाई जो होगा टैन इनवर्स एक्स एल बाई आर, ठीक है। अब देखो यह नेट वोल्टेज आ गया, ठीक है, यह नेट वोल्टेज आ गया, फाइव ही आ गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, बहुत सारा चीज़ बता दिए इसलिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, शॉर्ट में बताते हैं कि अब जो यह फाइव जो आ गया मैक्सिमम फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है, फेज एंगल, ठीक है। इसका मतलब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। क्या बताया था एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेना, पॉजिटिव, यानी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, ठीक। करेंट है इसी के अलॉन्ग है करेंट, है ना, करेंट भी क्या है आई, ठीक, आई इधर ही है, ठीक। यह करेंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक। इसका मतलब इस केस में जो होगा वोल्टेज, वोल्टेज लीड करेगा, लीड करेंट बाय फाई, ठीक है, वोल्टेज लीड करेंट बाय फाई, फाई से लीड करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसको हम एक कंक्लूड करते हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक, क्या अब तक हम पढ़ें, ठीक है, ये तो हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब देखो क्या पढ़ें, ठीक है, अब न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक। यह R है, यह L है, तो पहले हम लोग XL निकाल लेंगे, XL, ठीक है। मान लो करेंट ही दिया हुआ I, ठीक है, IT दिया होगा, IM साइन ओमेगा T, ठीक है, IT दिया हुआ, ठीक। तो पहले XL निकालेंगे, ये क्या होगा, ओमेगा L होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, VR, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL, ठीक है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी ले लो, ठीक। तो एक बार जाने कि भी बराबर क्या होता है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। आरएमएस लेते हैं, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में साइन कॉस के बारे में नहीं दिया, यह कौन सा वोल्टेज होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। दूसरी बात क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर फेज निकालना होगा, ठीक, देखो दोनों में क्या है, करेंट सेम है, कैसे हम लोग रिफरेंस कैसे चुने, हाउ टू चूज रिफरेंस, रिफरेंस एक्सिस, देखो दोनों से करेंट सेम कर रहा है तो करेंट वाला को रिफरेंस ले लेंगे, करेंट वाला क्या करेंगे, रिफरेंस ले लेंगे, ठीक। अब देखो जो वोल्टेज होगा वी इन टू आई आर होगा, इसके अक्रॉस क्या होता है, रेसिस्टर में करेंट और वोल्टेज दोनों बोथ आर इन सेम सेम फेज, ठीक, बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है, करेंट और वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। इसमें क्या होता है, करेंट इधर है तो वोल्टेज ऊपर होगा, 90 से लीड करता है, ठीक, यानी कि ये हो गया वी आर, ठीक। तो वी एल किधर होगा, वी एल 90 डिग्री करेंट से आगे होगा, ठीक, और वी आर कितना होगा, आई इंटू आर, और वी एल कितना, आई इंटू एक्सएल, ठीक सर, हम आर एम एस वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वी, कुछ किसी इधर होगा, कुछ एंगल बनेगा फाई, यह भी, तो भी जो आएगा कुछ इस तरह आएगा, भी जो आएगा भी भी नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या भी एम ले लो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा, और इसमें भी एम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग भी निकाल लिए, या आर एम एस वैल्यू दिया, तो भी एम बराबर क्या हो जाएगा, भी एम भी बाई रूट भी रूट, ये भी एम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग आर एम एस वैल्यू, जब ये सारे दिया रहेगा तो आर एम एस वैल्यू की मदद से निकालेंगे। फाई क्या होता है, फेज एंगल कितना होगा, टेन इनवर्स वी एल बाई वी आर, या टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर, ठीक, टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर। अब देखो यहाँ पे करेंट से जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, तो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक, ठीक, कितना से, फाइव से, यानी यहाँ से क्या सीखे, वोल्टेज लीड करेंट बाई फाइव, यानी कि आरएल सर्किट में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, ठीक, डोमिनेंट कर जाता है इंडक्टर, ठीक है। अब चलो एक जो छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले इसमें हम पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, ठीक, क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, ठीक, फाई को बोलेंगे पावर फैक्टर एंगल, आगे बताएंगे पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, बस अभी जानो कि फाई क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक है, ठीक हो गया।
अब देखो, अब पावर की बात करते हैं इसमें, पावर की। ठीक, तो करंट ये हो गया, वोल्टेज भी कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा, ठीक है, वी भी कुछ इस तरह का आएगा, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज होगा किस तरह का आ रहा है, वी टी, ये आ रहा है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है। और फाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फाई का वैल्यू टैन इनवर्स एक्स एल वाई आर। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, पी टी जो होगा वी टी इंटू आई टी, यही होगा। ठीक, तो वी टी आई एम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, अब देखो जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये पी टी है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, ठीक, तो इसमें भी साइन टू ओमेगा टी का टर्म आता है, कॉस टू ओमेगा टी का टर्म आता है। ठीक, यानी कि इसमें भी पता चला कि पावर फ्रिक्वेंसी जो होता है, पावर फ्रिक्वेंसी, सॉरी, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर जो क्या होता है, डबल द सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक, तो हम लोग पी एवरेज निकालेंगे, पी एवरेज वह क्या होता है, वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो से टी पी डी टी। ठीक, तो यहाँ पर जो भी आएगा इक्वेशन साइन कॉस का ही आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग पी एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी एम आई एम, ठीक, बाई टू कॉस फाई। ठीक है, क्या आएगा, वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई। देखो यहाँ पर वी एम आई एम लिखे, यानी मैक्सिमम वोल्टेज लिखे, मैक्सिमम पीक वोल्टेज, मैक्सिमम पीक करंट लिखे, इसी को क्या लिख देंगे, वी एम बाई रूट टू आई आई एम बाई रूट टू कॉस फाई। फाई क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक, पावर फैक्टर एंगल इसको बोलते हैं। ठीक, फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ, वी एम बाई रूट टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये हो जाएगा पी एवरेज। ठीक है, क्या हो गया, पी एवरेज हो गया। ठीक है, पी एवरेज हो गया। ठीक, अब चलो, ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब देखो, अब अगर हम, ठीक, इसमें इम्पीडेंस की बात करते हैं, ठीक है, किस इसमें इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो इम्पीडेंस कितना होता है, ठीक है, वेट अ सेकंड, चलो इतना पावर हो गया। ठीक, अब इसमें इंपीडेंस की बात करते हैं, इंपीडेंस जेड, जो इस सर्किट का इंपीडेंस होगा, जेड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस या हिंड्रेंस ऑफर बाई एसी सर्किट, एसी जो एसी के लिए ऑफर करता है हिंड्रेंस, जिस तरह डीसी में रेसिस्टेंस होता है उस तरह एसी में इंपीडेंस होता है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक, तो इस केस में हम लोग इसको जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, वी टी बाई आई टी, यही होगा। ठीक, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, फेजर के फॉर्म में लिखेंगे, इस आई को क्या लिख सकते हैं, आई एम बाई रूट टू एंगल जीरो डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल फेज क्या है, जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई रूट टू एंगल प्लस फाई। ठीक, प्लस फाई है। ठीक, तो यहाँ से वी टी अगर लिखना चाहें, ठीक, या वी टी बाई आई टी, या फेजर के फॉर्म में लिखना चाहें, वी बाई आई, क्या हो गया, वी बाई आई, वी बाई आई क्या हो जाएगा, वी एम बाई रूट टू एंगल प्लस फाई अपॉन आई एम बाई रूट टू एंगल प्लस जीरो डिग्री। ठीक, तो ये देखो वी एम बाई आई एम या जेड देता है, तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस फाई। ठीक है, अब जेड निकालते कैसे हैं, ठीक, तो देखो हम बताए थे ये सर्किट कैसा है, क्या आ गया, जेड बराबर जेड का फेजर क्या आ गया, जेड एंगल प्लस फाई। इसका मतलब यह जेड जो होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यह किस जेड क्या आया, जेड बराबर जेड बार बराबर जेड एंगल प्लस फाई,
ठीक, प्लस फाइव, यह जब इस तरह लिखते हैं तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर असिस्टेंस है और इंडक्टर है, आर है, और इंडक्टर को हम बताए थे कि जो लिखते हैं एक्सेल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, आयोटा के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जेड जो हो जाएगा आर प्लस एक्सेल, ठीक, आई एक्सेल। डायरेक्ट हम लोग ट्वेल्थ लेवल में आई आर प्लस एक्सेल भी लिख सकते हैं, ठीक, आर प्लस एक्सेल भी लिख सकते हैं। तो ये जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग फाई का वैल्यू निकालें, फाई एक्स और वाई, फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इन वर्स वाई, यानी एक्सेल बाई आर, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोगों ने क्या देखा, आर और रेसिस्टेंस और इंडक्टर क्या है, सीरीज में है और एसी सप्लाई है, तो उसका इम्पीडेंस जो लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। हमारा जो जेड आया था वो क्या आया था, जेड एंगल फाई आया था, ठीक। और यह क्या बताता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो हम लोग इसको जनरली इस तरह लिखते हैं, बट इन ट्वेल्थ में हम लोग जेड को आर प्लस एक्सेल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो गलत क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें मॉड जेड की, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, ठीक है। तो क्यों ऐसा हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, ठीक है, एसी सोर्स से लगा हुआ है, ये 3 ओम का है और ये दिया हुआ है, इसका एक्सेल दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। तो अगर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना पड़े, जेड निकालना पड़े, तो जेड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग जेड बराबर क्या लिख देंगे, दोनों क्या सीरीज में दिख रहा है, तो 3 + 4 = 7 ओम, ठीक है, विच इज रॉन्ग, ये 4 ओम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जेड को क्या लिखते हैं, 3 + i 4, ठीक। आगे चल के हम लोग आई ना देखें, हम लोग इसको जे से डिनोट करते हैं, 3 + j 4, ठीक, आई या जे दोनों एक ही हो गया, ठीक। तो इस तरह हम लोग इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको इम्पिडेंस को लिखते हैं, जेड को इम्पिडेंस को। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3² + 4² कितना हो गया, अंडर रूट 25, यानी 5 ओम, ठीक। तो इम्पिडेंस क्या आ गया, 5 ओम, जेड क्या हो जाएगा, 5, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम लोग क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, ठीक। तो याद क्या रखना है कि जब भी इंडक्टर आए और एसी की बात की जाए तो आई प्लस एक्सेल, यानी प्लस आई रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, एसी सोर्स है, ठीक है, ये 20 ओम का रेसिस्टर है, ये 2 / π हेनरी का इंडक्टर है, और यहाँ पे जो VT सप्लाई दिया है यह है 200 sin 100 π t + 60°, ठीक है। अब निकालना क्या क्या है इसमें, पहला एक्सेल क्या है, दूसरा जेड क्या है, तीसरा आई नोट क्या है, चौथा IT क्या है, ठीक है, ये 4 चीज़ निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो इसमें करंट क्या फ्लो करा, IT फ्लो करा, ठीक है, प्लस माइनस,
ठीक। और भी और क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं इसमें, पांचवा वी आर टी, छठा वी एल टी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, देखो एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को सबसे पहले एक्सएल निकालना है, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा देखो 100 पाई, ओमेगा क्या है 100 पाई। ठीक, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, यह होता है ओमेगा एल, यानी 100 पाई इंटू एल कितना है 2 बाई पाई, कितना आ गया 200 ओम आ गया। ठीक है, यानी एक्सएल का वैल्यू कितना हो गया 200 ओम। ठीक, एक निकालिए जेड बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 20 प्लस, ये जे एक्सएल लिखते हैं या आई एक्सएल। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते इसको, आर प्लस जे एक्सएल लिखते हैं, आर प्लस आई एक्सएल या जे एक्सएल। ठीक है, तो आर कितना है 20 प्लस, एक्सएल कितना है 200। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जेड का मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस का, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 20√101। ठीक, ये इतना आएगा, ये मॉड जेड हो गया। ठीक, अब आई नॉट की बात करते हैं, तो देखो आई नॉट बराबर क्या होगा, थर्ड, ये सेकेंड हो गया। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, आई नॉट, आई नॉट क्या होता है वी नॉट बाई जेड, वी नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है दिस 200, 200 में जेड कितना हो जाएगा 20√101, जो भी आएगा 10√101 एम्पियर। ठीक है, ये मैक्सिमम पीक करंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आई टी निकालना चाहेंगे, तो आई टी क्या होता है, आई टी देखो, इसमें आई टी निकालने के लिए जो चौथा जो मेरा आई टी आएगा वो क्या होगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। ठीक है, चूँकि इंडक्टर है, रेसिस्टेंस और इंडक्टर है, तो इस सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, क्या बताए थे आई पी एल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, यानी करंट लैग करेगा। ठीक है, यानी वोल्टेज से लैग करेगा, कितना से, -5 से। ठीक है, -5। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी एंगल होगा यहाँ पे, ठीक, जो भी एंगल होगा, ठीक है, ये सपोज कर लो थीटा है, तो इस थीटा से क्या करेगा, -5 करेगा। ठीक है, देखो अब फाई कैसे निकालते हैं। ठीक, फाई, फाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई जो होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, ये होता है। तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल, एक्सएल कितना है, एक्सएल है मेरा 200 ओम। ठीक, 200 ओम, यानी 200, और आर कितना है 20। ठीक है, आर कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 कितना आता है, यह आता है 84.2 डिग्री। ठीक, तो फाइ कितना, 84.2 डिग्री। अब आई नॉट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आई एम कितना है 10√101 साइन, थीटा कितना है, थीटा है 100 पाई टी, 100 पाई टी प्लस 60 माइनस 84.2 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, दिस इज द आंसर। तो हम लोग आई टी भी निकाल लिए, अब बी आर निकल गया, वी आर भी निकल जाएगा, आई टी पता चल गया, तो वी आर भी निकल जाएगा, वी एल भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
दिया है।